हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने माता पिता के साथ घर में सुरक्षित होंगे। अपने हाथों को अच्छे से धोइए और सुरक्षित रहिए। तो मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ, ये क्योंकि आप अपने घर में माता पिता के साथ बहुत अच्छे से समय बिता रहे हैं, तो सोचा कि हम आपको घर पे ही आपकी नई क्लास के बारे में थोड़ा सा बता दें या आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा शुरू कर दें। मेरी ये जो वीडियो है ये कक्षा 4 के बच्चों के लिए होगी, ये हिंदी की वीडियो होगी। तो आइए इसे शुरू करते हैं। हमारा पहला विषय है भाषा और व्याकरण। बच्चों, भाषा, भाषा से हम क्या समझते हैं? भाषा और कुछ नहीं बल्कि भाषा हमारे विचारों को एक दूसरे इंसान तक पहुंचाने का एक जरिया होता है, एक साधन होता है या एक तरीका होता है, जिससे हम जो हमारे मन में बातें चल रही हों वो हम एक दूसरे को बता पाएँ। ये हम एक भाषा के ज़रिए बता सकते हैं। जैसे आपको भूख लगी है तो आप बोलते हैं मुझे भूख लगी है, आपको हंसना है तो आप हंसते हैं, आपको किसी को बताना हो कि आपको चोट लग गई तो आप बोल कर या लिख कर अपनी बात को बताते हैं। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो हम भाषा को किस प्रकार समझेंगे? तो हम भाषा को समझेंगे कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। यानी कि जो विचार हमारे मन में चल रहे हों या जो बात हम दूसरों को बताना चाहते हैं उसको हम बोलकर या लिखकर बताते हैं। प्रकट करना मतलब उसको सामने दिखाना या जाहिर करना, बताना, उसे भाषा कहते हैं। जो व्यक्ति बोल नहीं पाते वे भी इशारों से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आपने अपने आसपास काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा जो इशारों में बात करते हैं, जो इशारा करके समझाते हैं। जो लोग देख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, बातें तो उनके मन में भी होंगी बताने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो इशारों में बात करके एक दूसरे को समझाते हैं। इस प्रकार हमारे सामने भाषा के दो रूप आते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। भाषा के दो रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा में एक व्यक्ति बोलकर अपने विचारों को दूसरे को समझाने की कोशिश करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर, यानी कि अपने कानों से सुनकर बातों को समझने की कोशिश करता है। मौखिक भाषा का अर्थ है बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना, यानी कि बोलकर अपनी मन के विचारों को बताना। लिखित भाषा में हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, लिखकर हम अपनी बातों को बताते हैं। एक और उदाहरण देती हूँ। अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो दिखाया था या किया था। आपने न्यूज़ चैनल देखी थी बच्चों? उस न्यूज़ चैनल पर मोदी जी ने कोरोना वायरस के बारे में बोलकर, यानी कि मौखिक भाषा का इस्तेमाल कर कर हमें कोरोना वायरस के बारे में बताया था और हम लोगों ने सुनकर उसको समझने की कोशिश की थी। उसके बाद न्यूज़पेपर्स के अंदर लिखित रूप में, यानी कि लिख कर हमारे पास वो न्यूज़ आई थी। और जितने भी न्यूज़ चैनल, अखबार में जो न्यूज़ चैनल में हेडलाइंस आती हैं वो भाषा का लिखित रूप होता है। आप लोगों ने उसको ध्यान से देखा होगा। यानी कि भाषा के दो रूप अब हमने समझ लिए, मौखिक और लिखित भाषा। बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी इस पूरी दुनिया में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, जापान में जापानी, रूस में रूसी, नेपाल में नेपाली, चीन में चीनी, बिहार में हिंदी, पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, असम में असमिया। अलग-अलग जगहों में अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो भाषाएं केवल 12 नहीं होती बच्चों, ये और भी बहुत सारी हैं। इसके बाद
हम देखेंगे लिपि। जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तो उसके लिखने का तरीका क्या होगा, ये हमें लिपि से पता चलता है। हर एक भाषा को लिखने का अपना अलग तरीका होता है। जैसे कि अंग्रेज़ी रोमन लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेज़ी रोमन लिपि में लिखी जाती है, इसका मतलब है अंग्रेज़ी में हम ए को ऐसे ही लिखेंगे, बी को ऐसे ही लिखेंगे और सी को ऐसे ही लिखेंगे, डी को ऐसे ही लिखेंगे और इससे आगे आने वाले अल्फ़ाबेट्स को हम उसी प्रकार से लिखते हैं जो हमने सीखा है। ये सब हम रोमन लिपि के अंदर सीखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे गुरुमुखी। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। जो हम हिंदी में अ पढ़ते हैं वो गुरुमुखी में इस प्रकार लिखी जाती है, और जो ऊ पढ़ते हैं वो गुरुमुखी में इस प्रकार लिखी जाती है। ये सब कुछ हमें लिपि से पता चलता है। हर एक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। जो हम हिंदी में से पढ़ते हैं उसको फारसी में इस प्रकार लिखते हैं या उर्दू में इस प्रकार लिखते हैं। पे हम इस प्रकार लिखते हैं। अंत में हम बात करेंगे अपनी हिंदी की। हिंदी की जो लिपि है वह है देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। जी हाँ, तो जो अ आ क ख अंग, इसके आगे भी और भी है, जो भी हमने अब तक सीखा है वो सब हमने देवनागरी लिपि में सीखा है। हर एक भाषा का, जैसे आप देख सकते हैं, अंग्रेज़ी यानी कि रोमन लिपि, पंजाबी गुरुमुखी लिपि, उर्दू फारसी लिपि, हिंदी देवनागरी लिपि, इन सब को लिखने के तरीके अलग अलग हैं। ये सब हैं लिपि के कारण, क्योंकि हर एक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों को निश्चित किया गया है वह लिपि कहलाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्याकरण यानी कि ग्रामर। जैसे कि बच्चों आप पढ़ते आ रहे हैं, अब से लेके आपने शुरू छोटे से थे जब से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास, नर्सरी, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में भी आपने ये सब कुछ पढ़ा है, ग्रामर। हमें भाषा को शुद्ध बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना प्रत्येक भाषा का व्याकरण सिखलाता है। हम भाषा को सही तरीके से बोले, सही तरीके से पढ़ें, ये हमें ग्रामर यानी कि व्याकरण समझाता है। जैसे अगर मैं बोलूं लड़का खेल रही है तो क्या मेरा वाक्य सही होगा? जी हाँ, ये वाक्य मेरा गलत होगा। मैं किस तरीके से बोलूंगी? लड़का खेल रहा है। ये मुझे कैसे पता चला? जी, क्योंकि ये सेंटेंस, जो वाक्य मैंने बोला, वो गलत था। व्याकरण के अकॉर्डिंग मुझे उसका लिंग भी देखना होगा। इस प्रकार हमारे सामने व्याकरण के तीन मुख्य अंग आते हैं। पहला आता है वर्ण विचार। यह हमने फर्स्ट सेकंड क्लास में इसे खूब पढ़ा है। इसमें वर्णों के उच्चारण और उनके लिखने के ढंग पर विचार होता है। वर्णों के उच्चारण का मतलब है कि हम इसको कैसे बोलें। इसको मैं का या को नहीं पढ़ सकती, मैं इसको क्या पढ़ूंगी? जी हाँ, इसको मैं पढ़ूंगी क, ख, ग, घ, और ये इसी प्रकार लिखे जाएंगे। ये भी हम वर्ण विचार में सीखते हैं। फिर हम पर देखेंगे शब्द विचार। ये हमने बहुत अच्छे से सीखा है क्लास सेकंड में। इसमें वर्णों के मेल से बने शब्दों तथा उनके अर्थों पर विचार होता है। इन वर्णों के मेल से यानी कि इनको जोड़कर, बेटा सिर्फ इन चारों को नहीं, इसके अलावा और जो हैं उनको जोड़कर जो शब्द बनते हैं वो हम शब्द विचार में सीखते हैं। और शब्द ऐसे नहीं होते जिनका कोई मतलब ना हो, हर एक शब्द का अर्थ होना ज़रूरी है। जैसे किताब, यदि मैं किताब बोलूं तो आप लोगों को पता है कि आपके सामने एक किताब की छवि आ जाएगी,
यदि मैं स्कूल बोलूं तो आपको अपना फेथ एकेडमी स्कूल अच्छे से याद होगा। यदि मैं रोना बोलूं तो आपके सामने एक चेहरा होगा जो रो रहा होगा। और यदि मैं नाचना बोलूं तो आपको पता है कि नाचने का अर्थ क्या होता है, यानी कि शब्द विचार में हम शब्दों को बनाते हैं और केवल वही शब्द जिनका कोई, जी हाँ, जिनका कोई अर्थ हो। इसके बाद हम जो तीसरा देखेंगे वो है वाक्य विचार। हमने अभी वर्ण विचार देख लिया, शब्द बना लिए, अब हम वाक्य बनाएंगे। इसमें वाक्य की रचना पर विचार होता है, जैसे कि वह पेड़ के नीचे बैठा है, अध्यापिका पढ़ा रही है, हम देख रहे हैं, ये सारे वाक्य हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं वर्ण, फिर हम सीखते हैं शब्द, फिर हम सीखते हैं वाक्य। आप अपनी छोटी छोटी क्लासेस को ज़रा याद करने की कोशिश कीजिए। पहले आपको अध्यापिका ने क लिखना सिखाया, ख लिखना सिखाया, ग लिखना सिखाया, घ लिखना सिखाया। फिर आप सेकंड क्लास में आए तो आपने मात्राओं के साथ शब्द बनाने शुरू किए। फिर आप थर्ड क्लास में आए तो मैम ने आपको सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाने सिखाए। और आप जब नई क्लास में आए हैं तो आप इसके साथ साथ और भी बहुत सारे नए नए वाक्य बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो सहायता करेगी, आपको आपका नई क्लास में नए चैप्टर को समझने में। थोड़ा आप ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कल जो मैं आपको वीडियो बना कर भेजूँगी वो हम इसी पाठ से रिलेटेड, हम इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों पर मैं आपको कुछ प्रश्न दूँगी और आप उन प्रश्नों को अपने किसी भी एक कॉपी के अंदर उन प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद जब आप स्कूल वापस आएंगे तो हम सभी टीचर्स आपका बेसब्री से इंतज़ार करेंगे ताकि आपने जो अभी तक समझा है उसके उत्तर आप सही प्रकार से लिख पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है बच्चों, अब हम कल मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा।